Hello viewers. In today's video, we are going to start class ten math arithmetic progression exercise five point three. Okay. In last video, we covered till question number ten. So today we are going to start from question number eleven. Question number eleven. If the sum of the first n term of an AP is four n minus n square. First n term of AP ki sum given hai. That is four n minus n square. इलेवन नंबर में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दस एन हमारे पास गिवन है फोर एन माइनस एन द फर्स्ट टर्म दस वन हमें फर्स्ट टर्म निकालने बोला जा रहा है दैट इज ए निकालने बोला जा रहा है और क्वेश्चन में बता दिया है फर्स्ट टर्म जो है वो एस वन है मतलब फर्स्ट टर्म को हम एस वन भी बोलेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है वट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हमें सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकालना है एस टू निकालना है हमें वट इज द सेकेंड टर्म फिर हमें सेकेंड टर्म निकालना है दैट इज दू निकालना है हमें सिमिलरली फाइंड द थर्ड द टेंथ एंड द एन टर्म हमें ए थ्री भी निकालना है ए टेन भी निकालना है और हमें ए एन भी निकालना है ओके okay? So, इसे कैसे सॉल्व करेंगे एस एन हमारे पास गिवन है फोर एन माइनस एन एस एन इज इक्वल एन माइनस एन एस वन निकालने बोला गया दैट इज फर्स्ट टर्म सो हम एन के प्लेस पर वन पुट कर देंगे दैट इज फोर इन टू वन माइनस एन के प्लेस पर वन होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे फोर इंटू वन दैट इज फोर माइनस वन इंटू वन वन का स्क्वायर वन सो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा थ्री एस वन जो कि हमारा ए भी है जो हमारा फर्स्ट टर्म हम भी है ओके okay? सिमिलरली हमें एस टू निकालना है सो एस टू निकालेंगे पुट करेंगे एस टू के प्लेस पर भी सेम हम फोर इंटू एन के प्लेस पर टू माइनस एन के प्लेस पर टू होल स्क्वायर सो फोर इंटू टू दैट इज एट माइनस टू टू दावर टू दैट इज फोर सो फोर हो जाएगा एस टू भी निकल गया अब हमें ए टू निकालना है ओके सो ए टू निकालने के लिए देखो जब भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवेन हो मान लो एक एपी गिवन है जो है टू फोर सिक्स एट टेन इस तरीके से हमारे पास एक एपी एक गिवन है ये एक एग्जाम्पल है ये इसका कोई पार्ट नहीं है तो ये एपी गिवन है और हमारे पास एस वन और एस टू गिवन है मान लो एस वन क्या है सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म का सम खुद वो टर्म ही हो जाएगा दा एस वन है टू और एस टू मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म पहले दो टर्म का सम हमारे पास गिवन है मान लो तो पहले दो टर्म का सम इस एपी में क्या हो जाएगा फोर प्लस टू डेट इज सिक्स एस टू हमारा हो जाएगा सिक्स और हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है मान लो एस टू निकालने सिमिलरली इस क्वेश्चन की तरह सो so, हमें एस टू जब निकालना है सॉरी ए टू निकालना है हमें तो ए टू निकालने के लिए देखो अगर हम एस टू में से एस वन को माइनस कर दे एस टू माइनस एस वन तो हमारे पास ए टू आ जाएगा दैट इज सिक्स माइनस एस वन की वैल्यू क्या है टू फोर आ रहा है और ए टू सेकेंड टर्म हमारा क्या है फोर है आ गया सो so, जब हमें क्वेश्चन में ए टू निकालने बोला है ए टू के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे एस टू माइनस एस वन पुट करेंगे एस टू की वैल्यू है फोर माइनस एस वन की वैल्यू है थ्री सो so, हमारा ए टू हो जाएगा वन ओके okay? अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है ए थ्री निकालने ए टेन निकालने और एन निकालने उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी सो so, हम d निकालेंगे d के लिए फॉर्मूला क्या होता है ए टू माइनस ए वन ए टू की वैल्यू है वन माइनस ए वन ए वन हमारा फर्स्ट टर्म एस वन था जो कि क्या है थ्री सो so, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वन माइनस थ्री हो जाएगा हमारे पास माइनस टू ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा अब हमें ए थ्री निकालना है जनरल टर्म के फॉर्मूले से ए थ्री क्या होता है ए प्लस टू डी ए की वैल्यू ए की वैल्यू क्या है थ्री प्लस टू इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस टू So, हम लिख देंगे थ्री टू इंटू टू दैट इज फोर एंड माइनस फोर सो हमारा ए थ्री हो जाएगा माइनस वन सिमिलरली हम ए टेन निकालेंगे इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस नाइन डी जनरल टर्म ऑफ एपी पुट करेंगे टेन है सो so इससे एक कम दाइन डी इस तरीके से होता है ए की प्लेस पर अगेन थ्री प्लस नाइन इंटू डी की वैल्यू है माइनस टू सो नाइन टू जटीन थ्री माइनस एटीन माइनस फिफ्टीन हो जाएगा और हमें निकालना है ए एन एन क्या हो जाएगा एन हो जाएगा हमारा ए प्लस एन माइनस वन इन डी फॉर्मूला होता है ये एन के लिए एन एस टर्म ऑफ एपी सेम इसी फॉर्मूले से ये सब भी डिराइव होता है जब हम एन के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे तो सेम इस तरीके से आ जाएगा सो ए एन इज टू ए ए की वैल्यू क्या है थ्री प्लस एन हमें निकालना है इसीलिए एन के प्लेस पर एन ही रहेगा और डी है हमारा माइनस टू जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे थ्री माइनस टू इंटू एन दैट इज माइनस टू एन एंड माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज प्लस टू सॉल्व करेंगे थ्री प्लस टू दैट इज फाइव माइनस टू एन एन हमारा आ जाएगा फाइव माइनस टू एन सो ये सारा हमारा आंसर है सिंपल था बस थोड़ा सा समझने का जरूरत था इसे अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो बना सकते हैं ओके okay. अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व में हमारे पास गिवन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट फोर्टी पॉजिटिव टर्म्स इंटीजर डिविजिबल बाय सिक्स फर्स्ट फोर्टी इंटीजर जो कि सिक्स से डिविजिबल है हमें उसका सम निकालना है ओके okay? सो so, हमें फर्स्ट फोर्टी इंटीजर जो सिक्स से डिविजिबल है उसका सम निकालना है क्योंकि सिक्स से डिविजिबल है और फर्स्ट फोर्टी इंटीजर है तो क्या हो जाएगा सिक्स के सारे मल्टीप मल्टीपल्स सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर एंड सो ऑन तो पहला फोर्टी इंटीजर्स इस तरीके से सिक्स का टेबल अगर सिक्स के मल्टीपल्स में हम इंक्रीज करते जाए तो फोर्टी नंबर इस तरीके से उनके सम निकालने तो हम क्या सिक्स से सबको मल्टीप्लाई करते रहेंगे वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर्टी टाइम और फिर उसको सम करेंगे नहीं बहुत टाइम लगेगा इसलिए हम डायरेक्टली बनाएंगे सो so, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट फोर्टी इंटीजर मतलब हमें एन बता दिया गया है एन है फोर्टी सिक्स के मल्टीपल है फर्स्ट टर्म हम हमारा सिक्स हो गया है क्योंकि सिक्स के मल्टीपल है तो कॉमन डिफरेंस तो सिक्स होगा ट्वेल्व माइनस सिक्स डेट इज सिक्स एटीन माइनस ट्वेल्व सिक्स ट्वेंटी फोर माइनस एटीन सिक्स कॉमन so, डिफरेंस हो जाएगा हमारा सिक्स अब हमें निकालना है एस एन फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एस एन हमें एस फोर्टी निकालना है सम ऑफ फर्स्ट फोर्टी इंटूज इट सो एस फोर्टी टू फोर्टी बाई टू टू इंटू ए ए की वैल्यू क्या है सिक्स प्लस एन माइनस वन एन है फोर्टी सो फोर्टी माइनस वन इंटू डी डी है हमारा कैंसिल so, करेंगे ट्वेंटी हो जाएगा सिक्स इंटू टू दैट इज ट्वेल्व प्लस फोर्टी माइनस वन दैट इज थर्टी नाइन इंटू सिक्स इसे जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा एस फोर्टी आ जाएगा आई थिंक इसे आप लोग सॉल्व कर लोगे सो so मैं यहाँ तक छोड़ रही हूँ इसे कैल्कुलेट करना आंसर आ जाएगा अब हम क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन है हमारा फाइंड सम ऑफ़ दी फर्स्ट फिफ्टीन मल्टीपल ऑफ एट सिमिलरली हमें फर्स्ट फिफ्टीन मल्टीपल ऑफ एट के सम निकालने हैं एट के मल्टीपल है मतलब एट के टेबल में प्रोसीड करेंगे हम एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर एंड सो ऑन और फर्स्ट सिक्सटीन मल्टीपल का सॉरी फर्स्ट फिफ्टीन मल्टीपल का बात हो रहा है इट मीन एन की वैल्यू गिवेन है फिफ्टीन फर्स्ट टर्म है हमारा एट कॉमन डिफरेंस डी हमेशा जिसके मल्टीपल है वही होता है जैसे एट का मल्टीपल है तो एट ही होगा सिक्सटीन माइनस एट एट ट्वेंटी फोर माइनस सिक्सटीन एट सो कॉमन डिफरेंस एट और हमें सम निकालना है सम ऑफ फर्स्ट फिफ्टीन मल्टीपल ऑफ एट एस फिफ्टीन हमें निकालना है तो हो जाएगा फॉर्मूला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन के प्लेस पर फिफ्टीन पुट करेंगे फिफ्टीन बाई टू टू इन टू ए ए के प्लेस पर अगेन एट एट पुट करेंगे प्लस एन है हमारा फिफ्टीन सो फिफ्टीन माइनस वन दैट इज फोर्टीन इन टू डी के प्लेस पर एट पुट करेंगे सॉल्व करेंगे फिफ्टीन बाई टू एट इंटू टू दैट इज सिक्सटीन प्लस फोर्टीन इंटू एट दैट इज वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व आगे सिंप्लीफाई करेंगे हमारा एस फिफ्टीन निकल कर आ जाएगा सो तो इसे भी आप लोग कैलकुलेट कर लेना आगे अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखेंगे फोर्टीन में हमारे पास गिवन है फाइंड दी सम ऑफ दी ऑड नंबर बिटवीन जीरो एंड फिफ्टी जीरो और फिफ्टी के बीच में जितनी भी ऑड नंबर है उनका सम निकालना है हमें जीरो एंड फिफ्टी के बीच के सारे ऑड नंबर का सम निकालना है हमें ओके okay? सो so, जीरो और फिफ्टी के बीच में ऑर्ड नंबर क्या क्या हो जाएगा ऑर्ड नंबर वन है थ्री है फाइव है इसी तरीके से प्रोसीड करेगा और लास्ट नंबर फिफ्टी है तो फिफ्टी तो ऑर्ड नंबर नहीं है फिफ्टी इवन नंबर है सो फोर्टी नाइन हमारा ऑर्ड नंबर है अब इन सभी नंबर का हमें सम निकालना है फर्स्ट टर्म क्या है दैट इज वन है कॉमन डिफरेंस बी क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज थ्री माइनस वन टू फाइव माइनस थ्री अगेन टू सो हमारा कॉमन डिफरेंस टू है और लास्ट टर्म गिवेन है एल इज इक्वल्स टू फोर्टी नाइन हमने लिखा अभी सो so, इसे हम सम के फॉर्मुले से इस वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल ए पता है हमें एल पता है हमें एल हमारा ए एन भी कहलाता है लास्ट टर्म अब क्योंकि दोनों में से किसी फॉर्मूले को भी हम यूज करें हमें एन पता होना चाहिए सम के दो फॉर्मूले होते हैं एक और फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसके लिए भी हमें एन पता होना चाहिए और इसके लिए भी एन पता होना चाहिए तो पहले हमें एन फाइंड आउट करना होगा एन एथ टर्म ऑफ ए पी के फॉर्मूले को यूज करते हैं हम एन निकालने के लिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी एन हमारे पास गिवेन है दैट इज फोर्टी नाइन इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म है वन प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस है टू सॉल्व करेंगे वन साइड जाएगा माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इन टू टू फोर्टी नाइन माइनस वन दट इज फोर्टी एट टू डिवाइड में चला जाएगा एन माइनस वन सॉल्व करेंगे ट्वेंटी फोर सो एन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव

कैंसल करेंगे ट्वेंटी फाइव टाइम में ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव दैट इज सेक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव हमारा आंसर हो जाएगा सम ऑफ ट्वेंटी फाइव टर्म अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखेंगे फिफ्टीन है हमारा अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो रुपीज टू हंड्रेड फोर द फर्स्ट डे टू फिफ्टी फोर द सेकेंड डे रुपीज थ्री हंड्रेड फोर दर्ड डे एक्सेट्रा देनल्टी फॉर इच सक्सीडिंग डे बिगेन रुपीज फिफ्टी मोर देन फॉर द्रिसडिंग डे हाउ मच मनी द कॉन्ट्रेक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाई थर्टी डेज देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है एक कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें काम को जितना डिले किया जा रहा है पर डेज के हिसाब से पेनल्टी जो है वो फिफ्टी रुपीज बढ़ रहा है तो क्वेश्चन में गिवेन सबसे पहले पेनल्टी जो है वो टू हंड्रेड है फर्स्ट डे के लिए सेकेंड डे के लिए टू फिफ्टी हो जा रहा है थर्ड डे के लिए थ्री हंड्रेड हो जा रहा है और ये इसी तरीके से इंक्रीज कर रहा है और जो हर बार क्वेश्चन में बता दिया हर एक दिन के लिए पेनल्टी जो है फिफ्टी से इंक्रीज करते जा रहा है सो so, हमारा d जो है कॉमन डिफरेंस वो 50 हो जाएगा 250 फिफ्टी माइनस टू हंड्रेड दैट इज फिफ्टी थ्री हंड्रेड माइनस टू फिफ्टी दैट इज फिफ्टी सो कॉमन डिफरेंस जो है 50 हो रहा है हर बार कॉमन डिफरेंस 50 है मतलब ये सीक्वेंस जो है एपी में चल रहा है ये एपी है मतलब हम एपी के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे अब देखो क्योंकि ये एपी है और कॉमन डिफरेंस 50 है हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में अगर थर्टी डेज लेट हो रहा है काम जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें थर्टी डेज लेट हो रहा है तो थर्टी डेज का पेनल्टी कितना पे करना पड़ेगा हमें एस थर्टी फाइंड आउट करना है सो so, सिंपल है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी सिर्फ क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट सॉल्व बहुत छोटे से प्लेस में हो जाएगा एस एन क्या है एस थर्टी थर्टी बाई टू टू इंटू ए एन के प्लेस पर थर्टी क्योंकि एन थर्टी है टू इंटू ए ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म हमारा टू हंड्रेड है दैट इज ए हमारा टू हंड्रेड है सो टू हंड्रेड प्लस एन माइनस वन दैट इज थर्टी माइनस वन इंटू डी कॉमन डिफरेंस फिफ्टी है फिफ्टीन हो जाएगा टू इंटू टू दैट इज फोर हंड्रेड प्लस थर्टी माइनस वन दैट इज ट्वेंटी नाइन इंटू फिफ्टी

दैट इज 1850. इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा इसे आप कैलकुलेट कर लेना अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे सिक्सटीन नंबर अ सम ऑफ रुपीज सेवन हंड्रेड इज टू बी यूज टू गिव सेवन कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ आई स्कूल एक स्कूल में सेवन बच्चों के बीच में कैश प्राइज बांटा जा रहा है और टोटल रुपीज जो है वो है वो इसी में से सेवन बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ओके उसके बाद है फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्राइस मिल रहा है इफ ईच प्राइज इज रुपीज ट्वेंटी लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस मतलब हर एक प्राइस जो है वो ट्वेंटी लेस देन है अपने प्रेसिडिंग प्राइस से ओके फाइन दी वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दी प्राइस तो हर एक मतलब सेवन प्राइज जो है उसमें हर एक प्राइस का वैल्यू कितना है हमें ये फाइंड आउट करना है तो मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ जो हमारा फर्स्ट प्राइज है cost of first price, वो हम ले लेते हैं एक्स है, क्योंकि अभी हमें पता तो है नहीं कितना है और हर एक प्राइस जो है वो ट्वेंटी कम होते जा रहा है प्रेसिडिंग प्राइस जो है वो ट्वेंटी कम होते जा रहा so, first price है सो फर्स्ट प्राइज अगर एक्स है तो सेकंड प्राइस मान लो अगर फर्स्ट प्राइस हंड्रेड रुपीज का है तो दूसरे को कितना मिलेगा हंड्रेड माइनस ट्वेंटी दैट इज एटी तो अगर फर्स्ट प्राइस x है तो दूसरे को x माइनस ट्वेंटी थर्ड पर्सन को इसी तरीके से प्राइस जो मिलेगा वो हो जाएगा x माइनस ट्वेंटी अगेन माइनस ट्वेंटी मतलब ओवरऑल x माइनस फोर्टी हो जाएगा ओके okay? और इसी तरीके से ये सेवन बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस क्या है हर बार जो है ट्वेंटी कम हो रहा है हर बच्चों के बीच में ट्वेंटी कम हो रहा है अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाले d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज x माइनस ट्वेंटी माइनस एक्स सॉल्व करेंगे x माइनस ट्वेंटी माइनस एक्स एक्स कैंसल और माइनस ट्वेंटी बचेगा सिमिलरली दस माइनस दस करेंगे अगेन माइनस ट्वेंटी आएगा सो so, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है जो हमारा कॉमन डिफरेंस है d उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ट्वेंटी और हमारा जो फर्स्ट टर्म है a उसकी वैल्यू x है हमने एज्यूम किया है ओके okay? सो so, हमें गिवेन इक्वेशन में सेवन प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और टोटल जो सम है वो है रुपीज सेवन हंड्रेड इसी में से सेवन बच्चों के बीच में एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सो एस सेवन इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड फॉर्मूला लगाएंगे सम का एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी सो एस एन इज इक्वल टू दस इट मीनस एन के प्लेस पर हम एन था सो एन था अगर एन के प्लेस पर सेवन है तो एन के प्लेस पर हम सेवन पुट करेंगे दैट इज सेवन बाई टू टू इन टू ए ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म हमारा एक्स है प्लस एन माइनस वन दैट इज सेवन माइनस वन इंटू डी कॉमन डिफरेंस है हमारा माइनस ट्वेंटी ओके और ये गिवन है हमारे पास टोटल सम सेवन हंड्रेड इसे जब हम सॉल्व करेंगे सेवन बाई टू टू इंटू एक्स दैट इज टू एक्स सेवन माइनस वन दैट इज सिक्स इंटू माइनस ट्वेंटी दैट इज इक्वल्स टू सेवन हंड्रेड फर्दर सॉल्व करेंगे सेवन बाई टू टू एक्स माइनस 120 जब मल्टीप्लाई करेंगे 120 ट्वेंटी इज इक्वल्स टू सेवन हंड्रेड नाउ यहां से हम टू कॉमन ले लेंगे इंटू टू सो हमारे पास अंदर बचेगा एक्स माइनस सिक्सटी इज इक्वल्स टू सेवन हंड्रेड टू टू कैंसल और सेवन से सेवन हंड्रेड कैंसल हंड्रेड टाइम में सो एक्स माइनस सिक्सटी इज इक्वल्स टू हंड्रेड एक्स इज इक्वल्स टू हंड्रेड जब सिक्सटी राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस सिक्सटी सो x इज इक्वल्स टू वन x की वैल्यू आ गई 160, तो फर्स्ट प्राइज है हमारा 160. सिक्सटी सिमिलरली सेकेंड प्राइज ये हमारा फर्स्ट प्राइज था सेकेंड प्राइज हो जाएगा हमारा 160 सिक्सटी माइनस ट्वेंटी दैट इज वन सिमिलरली थर्ड प्राइज हो जाएगा हमारा 140 फोर्टी माइनस ट्वेंटी हर बार 20 कम होते जा रहा है So, ये हो जाएगा 120 ट्वेंटी फोर्थ प्राइज वन ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी हंड्रेड फिफ्थ प्राइज हंड्रेड माइनस ट्वेंटी दैट इज एटी सिक्स प्राइज एटी माइनस ट्वेंटी दैट इज सिक्सटी एंड सेवेंथ प्राइज सिक्सटी माइनस ट्वेंटी दैट इज फोट So, हमें सेवन बच्चों के बीच में ही प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना था तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेन टोटल ये हमारा आंसर हो जाएगा ओके okay? अब हम क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखेंगे सेवनटीन नंबर है हमारा इन स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एक स्कूल है जहां बच्चे सोच रहे हैं ट्री प्लांट करने का पूरे स्कूल में ओके इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट सेक्शन ऑफ़ क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज क्लास इन विच दे आर तो क्लास में हर एक सेक्शन जो है क्लास का जो सेक्शन है वो उतना ही ट्री प्लांट करेंगे जितने क्लास में वो पढ़ते हैं a section of class 1 will plant one tree a section of class 2 will plant two tree class 1 jo hai ek tree plant karega class 2 do do tree plant karenge and so on till class 12 class 12 tak ke bachche tree plant karenge there are three section of each classes और हर एक class का तीन section. लाइक like, अगर class वन है तो उसमें section A, B, C. Class टू की section A, B, C. इस तरीके से हर एक class की तीन section है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाई दी स्टूडेंट टोटल कितने ट्रीज पूरे स्टूडेंट प्लांट करेंगे हमें ये फाइंड आउट करना है तो क्योंकि टोटल ट्वेल्थ क्लास है तो जो वन क्लास है वो वन ट्री प्लांट करेंगे टू क्लास टू ट्री प्लांट करेंगे थर्ड थ्री क्लास थ्री ट्री इसी तरीके से फोर्थ क्लास के बाद फोर्थ ट्री प्लांट करेंगे ओवरऑल एंड सिमिलरली ट्वेल्थ क्लास सो ये एक एपी बना रहा है सिक्वेंस हमें एपी में दिख रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म टू माइनस वन वन थ्री माइनस टू वन फोर माइनस थ्री वन सो ये एपी में है फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया वन और हमें एस एन फाइन करना है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी टोटल ट्वेल्व तक के क्लास है स्कूल में सो so, हमें एस ट्वेल्व सम ऑफ टिल ट्वेल्व क्लास फाइन करना है एन के प्लेस पर ट्वेल्व करेंगे ट्वेल्व बाई टू टू इंटू ए ए की वैल्यू वन है प्लस एन के प्लेस पर अगेन ट्वेल्व माइनस वन और बी हमारा वन है सॉल्व करेंगे ये सिक्स हो जाएगा एस ट्वेल्व इज इक्वल टू सिक्स टू इंटू वन प्लस ट्वेल्व माइनस वन दैट इज इलेवन इलेवन इंटू वन इलेवन सिक्स इंटू इलेवन प्लस टू दैट इज थर्टीन मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स थ्री एटीन कैरी वन सिक्स एंड वन सेवन टोटल बट ये जो है नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय वन सेक्शन है मतलब क्वेश्चन में मेंशन है हर एक क्लास की तीन सेक्शन है पर हमने तो अभी जैसे क्लास वन के वन ट्री टू के लिए टू ट्री थ्री के लिए थ्री ट्री थ्री ट्री तो हमने अभी क्या किया है सिर्फ एक एक सेक्शन को कंसीडर किया है उसके हिसाब से हमने लिया था तो ये जो है एस ट्वेल्व ये नंबर ऑफ ट्रीज है नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय वन सेक्शन सेक्शन ऑफ क्लास तो ये हमारा है सेवेंटी एट पर क्योंकि हर एक क्लास की तीन सेक्शन है तो हमें उसके हिसाब से फाइंड आउट करना है सो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय थ्री सेक्शंस ऑफ क्लास इज इक्वल्स टू ये वन सेक्शन का था इंटू थ्री कर देंगे तो थ्री सेक्शन का आ जाएगा सो एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर सो फोर कैरी टू सेवन इंटू थ्री दैट इज ट्वेंटी वन एंड टू ट्वेंटी थ्री हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा टू थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर एटीन एटीन में हमारे पास गिवन है आ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एंड ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियस इतना दिस दिस एस सोन इन फिगर फाइव पॉइंट फोर वट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अरल मेड बाई दर्टीन कंजीक्यूटिव सेमी सर्कल एंड पाई की वैल्यू गिवन है ट्वेंटी टू बाई सेवन देखो एक स्पाइरल है क्वेश्चन में दिया हुआ है और हर एक मतलब स्पाइरल की जो रेडियस है वो फर्स्ट टाइम जीरो पॉइंट फाइव है फिर हर बार वो जीरो पॉइंट फाइव सॉरी ये स्पाइरल है ओके okay, गिवन है और जो स्पाइरल की रेडियस है स्टार्टिंग में वो जीरो पॉइंट फाइव है और हर बार ये जीरो पॉइंट फाइव से इंक्रीज हो रहा है पहले रेडियस जीरो पॉइंट फाइव था फर्स्ट स्पाइरल के लिए सेकेंड स्पाइरल के लिए रेडियस अब जो है यहां से यहां तक वो वन हो गया है फिर जो थर्ड स्पाइरल क्रॉस कर रहा है मतलब ये वाला स्पाइरल इसके लिए सेंटर से रेडियस वन पॉइंट फाइव हो गया है सिमिलरली जो फोर्थ स्पाइरल पास करेगा उसके लिए रेडियस टू हो जाएगा फिर फिफ्थ स्पाइरल के लिए 2.5 हो जाएगा इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है और क्वेश्चन में मेंशन में है क्योंकि 13 स्पाइरल टोटल व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप 13 कंजीक्यूटिव सेमी सर्कल तो ये पूरी स्पाइरल का लेंथ कितना होगा जब ये थर्टीन से कंजीक्यूटिव सेमी सर्कल से मिलकर बना हुआ है ओके तो देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे सबसे पहले सेमी सर्कल का बात हुआ है इसलिए सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये पता होना चाहिए इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई पाईआर पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्योंकि बाउंड्री की बात हो रही है जो स्पाइरल है उसकी बाउंड्री की बात हो रही है इसलिए हमने पेरीमीटर यूज किया है और जो इसका फॉर्मूला हो है, और जो इसका फॉर्मूला है वो है पाई पाईआर तो हमारा फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट टाइम पेरीमीटर क्या हो जाएगा पाई पाईआर फर्स्ट टाइम रेडियस गिवन है पाई इंटू आर की वैल्यू गिवन है फर्स्ट केस में जीरो पॉइंट फाइव सो ये हो जाएगा हमारा पाई ए टू निकालेंगे दैट इज पाई आर अगेन इस केस में आर की वैल्यू है वन सो ये हमारा पाई हो जाएगा पाई इंटू वन दैट इज पाई ए थ्री निकालेंगे पाई इंटू आर अगेन पाई इंटू थर्ड केस में स्पाइरल की जो रेडियस है वो है वन पॉइंट फाइव इसे सॉल्व करेंगे थ्री बाई टू सो थ्री इंटू पाई थ्री पाई डिवाइडेड बाई टू ओके अब हमारा यहां फर्स्ट टर्म पता चल गया हमें ए क्या है पाई बाई टू कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे हम डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज पाई माइनस पाई बाई टू सॉल्व करने पर आ जाएगा पाई बाई 2. अगर 3π- सॉरी 3π by 2- π भी करेंगे तो भी हमारे पास π by 2 आएगा. D हर बार सेम ही आएगा. अब S13 हमें निकालने बोला है क्वेश्चन में. 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल. ओके. सो So S13 हम फॉर्मूला लगाएंगे. n by 2, 2a plus n minus 1 into d. एन के प्लेस पर थर्टीन पुट करेंगे क्योंकि एस थर्टीन है इसलिए एन के प्लेस पर थर्टीन बाई टू टू इंटू ए ए की वैल्यू क्या है पाई प्लस एन के प्लेस पर अगेन थर्टीन तो थर्टीन माइनस वन ट्वेल्व हो जाएगा इंटू डी डी की वैल्यू है पाई बाई टू सॉल्व करेंगे थर्टीन बाई टू पाई इंटू टू दैट इज टू पाई सिक्स टाइम में कैंसिल प्लस सिक्स पाई सो थर्टीन बाई टू सिक्स प्लस टू एट पाई कैंसिल करेंगे फोर टाइम में नाउ थर्टीन इंटू फोर वेट ए हमारा फर्स्ट टर्म है पाई बाई टू ओके हमारा फर्स्ट टर्म है पाई बाई टू 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 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास बचेगा पाई सो सिक्स पाई इंटू पाई हो जाएगा टोटल हमारे पास सेवन पाई और ये कैंसल नहीं होगा ओके सो थर्टीन इंटू सेवन हो जाएगा हमारा नाइन्टी वन पाई डिवाइडेड बाई टू अब हम क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन थी पाई दैट इज पाई दैट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी टू बाई सेवन सो नाइन्टी वन बाई टू

19 इन द नेक्स्ट रो 18 इन द रो, नेक्स्ट टू एट एंड सो ऑन इन हाउ मेनी रोज आर दू 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो देखो 200 लॉक्स को इस तरीके से प्लेस किया जा रहा है कि फर्स्ट रो में 20 लॉक है फिर 19, फिर 18, 17, 16, 15, 14 एंड सो ऑन ओके सो टोटल कितना रो इस तरीके से तैयार होगा जिसमें 200 हंड्रेड लॉग को प्लेस कर दिया जाए जैसे ये फर्स्ट रो है सेकेंड रो थर्ड रो इस तरीके से और कितने रो बनेंगे ताकि टोटल 200 हंड्रेड लॉग्स अच्छे से प्लेस हो जाए हमें ये फाइंड आउट करना है देखते हैं तो फर्स्ट रो में जो लॉग है वो गिवेन इक्वेशन में ट्वेंटी उसके बाद नाइनटीन उसके बाद एटीन फिर सेवेंटीन एंड सो ऑन ओके So, क्योंकि ये क्लियरली एपी में दिख रहा है कॉमन डिफरेंस सबके सेम आएंगे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा ट्वेंटी कॉमन डिफरेंस डी क्या है नाइनटीन माइनस ट्वेंटी दैट इज माइनस वन एटीन माइनस नाइनटीन अगेन माइनस वन सेवेंटीन माइनस एटीन अगेन माइनस वन सो डी है हमारा माइनस वन टोटल लॉग गिवन है टू हंड्रेड और एस एन दैट इज एस एन गिवेन हमारे पास टू हंड्रेड टोटल लॉक्स के सम टोटल लॉक्स जो है वो है टू हंड्रेड इसे हमें प्लेस करना है और नंबर ऑफ रोज हमें फाइंड आउट करना है एन हमें फाइंड आउट करना है सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एस एन गिवेन ने हमारे पास टू हंड्रेड एन हमें फाइंड आउट करना है एन हमें पता नहीं है टू इन टू ए ए की वैल्यू है ट्वेंटी प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू है माइनस वन सॉल्व करेंगे ट्वेंटी इंटू टू दैट इज फोर हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी इंटू टू अगेन फोर्टीन प्लस माइनस एन इंटू माइनस वन इंटू एन दैट इज माइनस एन माइनस वन इंटू माइनस वन दैट इज प्लस वन एन पहले से है फोर हंड्रेड इज इक्वल टू फोर्टी इंटू एन दट इज फोर्टी एन अगेन एन इंटू एन माइनस एन स्क्वां एन दट इज एन सॉल्व करेंगे फोर हंड्रेड इज इक्वल टू फोर्टी एन प्लस वन दैट इज फोर्टी वन एन माइनस एन स्क्वायर सभी को हम एक तरफ शिफ्ट कर देंगे सो एन स्क्वायर माइनस फोर्टी वन एन प्लस फोर हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा नाउ मिडिल टर्म स्प्लीट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे इसे जब मिडिल टर्म स्प्लीट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा माइनस सिक्सटीन एन माइनस ट्वेंटी फाइव एन प्लस फोर हंड्रेड इज इक्वल्स टू जीरो एन कॉमन लेंगे सो एन माइनस सिक्सटीन नाउ माइनस ट्वेंटी फाइव कॉमन लेंगे अगेन बचेगा एन माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो आगे सॉल्व करेंगे 16, आया हमारे पास so, सिक्सटीन भी आएगी और एन की वैल्यू हमारे पास ट्वेंटी फाइव भी आएगी दो वैल्यू आएगा एन का पर दोनों में से कौन सा सही आंसर है हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम एनथ टर्म में पुट कर, कर चेक करेंगे ए एन

एंड फिफ्टीन इंटू माइनस वन दैट इज माइनस फिफ्टीन सो ए सिक्सटीन हमारा आ जाएगा फाइव ओके okay? और अगर हम एन की वैल्यू ट्वेंटी फाइव ले एन की वैल्यू ट्वेंटी फाइव एज्यूम करें सो so हमारा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सोल्व करेंगे ए ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ए के प्लेस पर ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस वन दैट इज ट्वेंटी फोर इंटू डी दैट इज माइनस वन सो ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फोर हमारे पास वैल्यू हो जाएगा माइनस फोर ए ट्वेंटी फाइव पुट करने पर एन की प्लेस पर ट्वेंटी फाइव पुट करने पर माइनस फोर आ रहा है एन की प्लेस पर सिक्सटीन पुट करने पर फाइव uh, आ रहा है ओके सो so, हमारे पास कभी भी नेगेटिव वैल्यू जो नहीं आएगा यहाँ जो है ट्वेंटी फिफ्थ रो जो है जो रो बना था हमारा इस तरीके से लॉक्स को प्लेस करने पर तो इसकी इस लाइन का मतलब है जो ट्वेंटी फिफ्थ रो है इस तरीके से उसमें फोर लॉग है पर माइनस फोर लॉग्स है तो नेगेटिव में तो होगा नहीं पॉसिबल ही नहीं है इट मीन ये होगा नहीं और इसका मतलब है ए सिक्सटीन मतलब इस तरीके से जो हमारा रो बन रहा है रो जो है उसमें टोटल फाइव रो है सॉरी फाइव लॉग है तो ये तो पॉसिबल है कि सिक्सटीन रो में हमारा फाइव लॉग हो इसलिए हमारा एंड का वैल्यू सिक्सटीन हो जाएगा क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने बोला था नंबर ऑफ लॉक्स कितने होंगे मतलब नंबर ऑफ रोज कितने होंगे तो हम लिख देंगे टू हंड्रेड लॉक्स कैन बी प्लेस्ड इन सिक्सटीन रोज टोटल सिक्सटीन रो लगेंगे टू हंड्रेड लॉक को प्लेस करने में मतलब नंबर ऑफ रोज जो है हमारे वो है सिक्सटीन एन की वैल्यू हो जाएगी सिक्सटीन हमारा रिक्वायर्ड आंसर है अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखेंगे देखो इन बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट एक पोटैटो रेस हो रहा है जिसमें बकेट को बाल्टी को या किसी भी कंटेनर को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा गया है विच इज फाइव मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो जो फर्स्ट पोटैटो प्लेस किया गया है जो कि यहाँ है इससे फाइव मीटर के डिस्टेंस पर है ये दिख नहीं रहा है अच्छे से आप लोगों को बट यहां पर भी इस तरीके से मेंशन है सो so, जो बकेट है वो फाइव मीटर के डिस्टेंस में रखा गया है फर्स्ट पोटैटो से एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस थ्री मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन दूसरे पोटैटो को तीन मीटर दूरी पर रखा गया ओके okay? फिर उसके बाद देयर आर आर टेन पटेटो इन द लाइन और इसी तरीके से टोटल टेन पटेटो को प्लेस किया गया है ट्वेंटी नंबर में फर्स्ट पोटैटो जो है वो फाइव मीटर की डिस्टेंस पर है बकेट से बकेट यहां है तो इससे फाइव मीटर की डिस्टेंस पर है सेकेंड पटेटो इससे थ्री मीटर की डिस्टेंस पर है मतलब एट फिर नेक्स्ट थ्री मीटर पर इलेवन फिर नेक्स्ट थ्री मीटर की डिस्टेंस पर फोर्टी इसी तरीके से पोटैटो प्लेस्ड है और टोटल जो है टेन पोटैटो प्लेस्ड है ओके टेन पोटैटो प्लेस्ड है So, हमारा ए क्या हो गया फाइव डी क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एट माइनस फाइव दैट इज थ्री सिमिलरली इलेवन माइनस एट अगेन थ्री सो हमारा कॉमन डिफरेंस थ्री आएगा और एस एन जो है सम जो है फॉर्मूला लगाएंगे एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी क्योंकि एस टेन यहां पर टोटल टेन पटाटो है सो so, ये एस टेन हो जाएगा एन के प्लेस पर टेन बाई टू टू इंटू ए ए की वैल्यू है फाइव प्लस टेन माइनस वन दैट इज नाइन एंड डी कॉमन डिफरेंस है थ्री सॉल्व करेंगे फाइव फाइव इंटू टू दैट इज टेन प्लस नाइन थ्री ज्वेंटी सेवन सो ट्वेंटी सेवन प्लस टेन दैट इज थर्टी सेवन एंड सेवन फाइव जो थर्टी फाइव कैरी थ्री फाइव थ्री जो फिफ्टीन एंड थ्री एटीन सो हमारा जो एस टेन है टोटल डिस्टेंस का जो सम है टोटल बकेट से लेकर हमारा जो डिस्टेंस है लास्ट पोटेटो तक का लास्ट पोटेटो तक का, उसका डिस्टेंस सम है 185 मीटर, ओके? Okay? ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बट क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि पोटैटो को वो प्लेस कर रहा है बकेट में तो हर एक डिस्टेंस को दो बार कवर किया जा रहा है तो ये तो एस है सिर्फ जाने का बट वो रिटर्न आकर बकेट तक रिटर्न बैक भी हो रहा है तो इस केस में हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टू इंटू वन एटी फाइव डेट इज थ्री सेवेंटी मीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा सो so ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था हमारा चैप्टर फाइव कंप्लीट हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सो so, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर को समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मैं उसे ही स्टार्ट करूंगी ओके आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल